अखबार का पन्ना सुबह में जब हमारे घर में अखबार वाला आता है और अखबार डालता है तो अखबार के पहले पन्ने पे ये लिखा हुआ रहता है कि विराट कोहली ने आज ये करा। अजय भैया आपने बहुत अच्छा काम, शशिकांत भैया जी ने बताया, जैसे कि रमेश शर्मा जी जैसे बड़े गीतकार को बुला करके मनासा ने ये सिद्ध कर दिया कि बालकवि बैरागी जी की चॉइस रही है। बालकवि बैरागी जी क्या हमारे श्रद्धेय हरिओम पंवार जी एक बात कहते हैं कि जिस दिन हिंदी के मंचों से गीत मर जाएंगे उस दिन कवि सम्मेलन मर जाएंगे। पंवार जी ने बिल्कुल सही कहा, वो नहीं कहते तो भी हमको मालूम था ये कि मर जाएंगे। हालांकि कई बार कवि सम्मेलन मर जाते हैं ज्यादा गीतकारों के चक्कर में, उसमें नियम फॉलो करना पड़ते सारे, मीटर बहर आरो अवरो लय सुर ताल शब्द जमावड़ा, मतलब आप कुछ भी इधर से उधर कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब आप बंधे हुए हो जाते हो। इसलिए मैं गीतकार नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। आदमी को स्वतंत्र रहना चाहिए, तो मैं स्वतंत्र कवि हूँ आपके बीच में। इसे कहते हैं छंद मुक्त कविता। हमारे कवि सम्मेलन में इतनी सुविधा कि अगर लिखना नहीं आया आपको तो छंद मुक्त कविता और बिल्कुल तुक तड़ाका भी नहीं आए तो तुक बंदी भी नहीं हो रही मक्की की चक्की से और चक्की की पक्की से, तो बोले बोले वन लाइनर पोएट। ये वन लाइनर पोएट है, डायरेक्ट सुनाते। हमारे यहाँ बहुत सुविधा, बहुत ज्यादा पाप अगर अपने से हो गए तो आप गंगा जी में जाकर स्नान कर लो। हिंदुस्तान के अंदर सुविधा तो देखो आप, हमारी सुविधा देखो आप। प्रचारक महोदय मैं आपके बीच में एक बात कह रहा हूँ, 7 साल के थे, माँ उंगली पकड़ करके ले जाती थी मंदिर में, और मेरे दादाजी जो पढ़ते थे 5-10-20 महिलाएं बैठी रहती थी, 5-10 आदमी बैठे रहते थे, तो मैं माँ से पूछता था कि ये क्या सुना रहे, इतनी मोटी किताब रहती थी, तो मैंने कहा कि माँ ये क्या है, तो मेरे दादाजी कहते थे उंगली रख के धीरे बोलो, बीच में डिस्टर्ब नहीं, बोले ये है क्या इतनी मोटी, तो वो कहते थे कि बोले इसको बेटा खजाना बोलते हैं। दादाजी मेरे भगवान के घर चले गए, आज मुझे पता चला कि वो जो इतनी मोटी पोथी थी वो हमारे सनातन धर्म की कुंजी, वो हमारी खजाना, वो हमारी रामकथा है, वो हमारी रामायण है, और उस रामायण के ऊपर ये हिंदुस्तान जिंदा। हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने तो मध्य प्रदेश में ये घोषणा कर दी थी कि हिंदी के पाठ्यक्रम के अंदर मध्य प्रदेश में रामचंद्र मानस पढ़ाया जाएगा। ताली बजाओ इस बात पे, उन्होंने घोषणा करी थी, तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, बोले ये क्यों पढ़ाया जाए, तो मैंने कहा कि ये पढ़ाया जाए। बोले क्यों पढ़ाया जाए, मैंने कहा इसलिए पढ़ाया जाए क्योंकि ये तुमने नहीं पढ़ी है, इसलिए ये पढ़ाया जाए। भाई इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से फायदे हैं। कई सारे लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर रामचरित्र मानस की प्रतिया जलाई गई, भाई वो क्यों जलाई, प्रतिया इसलिए जलाई क्योंकि उन्होंने जलाई तो कोई बोला ही नहीं, इसलिए लोगों ने चलाई। मैं आपके बीच में यह कह रहा हूं मेरे भाई कि जब अखबार का पन्ना हमारे घर में आता है, अखबार के पन्ने पे पहले पन्ने पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े पावरफुल व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा रहता है। पहले पन्ने पे सोनिया गांधी जी का नाम रहता है, राहुल गांधी का नाम रहता है। अखबार में विराट कोहली छपते हैं, अखबार के अंदर सचिन तेंदुलकर, अखबार के अंदर अमिताभ बच्चन, अखबार के अंदर महेंद्र सिंह धोनी, अखबार के अंदर डालमिया, अखबार के अंदर अंबानी, डालमिया, सिंघानी, टाटा, बिड़ला, डालमिया। इस अखबार के पन्ने पे वर्ल्ड के जुगुर्ग से लेकर के दुनिया का हर आदमी उस अखबार के पन्ने पर छपा रहता है, और 2 दिन बाद वही अखबार बाजार में रद्दी के भाव बिकता है, और उसके अंदर बच्चे जलेबी खाते हैं, पोए खाते हैं, और वो गटर में फेंक दिए जाते हैं। मेरे को बताना इस भीड़ के अंदर कि आज तक किसी ने रामचरित्र मानस के पन्ने के अंदर किसी ने अगर पोए खाए हुए देखे या आपको सड़क पर दिखे, तो ये हमारे सनातन धर्म की ताकत है और ये रहेगी। मैं आपके बीच में इस पवित्र मंच से बात करना चाहता हूँ। मेरी माता बहन जो कह रही थी इस देश के अंदर कि जो माता बहने हैं, मेरा इनसे यह निवेदन है कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस देश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब प्रेम से अच्छा माहौल चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने आज से 17 लाख वर्ष पहले दुनिया की पहली आचार संहिता क्या होती है उन्होंने बताया। आचार संहिता के बारे में अजय भी आप जानते हैं, आचार संहिता किसको कहते हैं, क्या होती है आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब क्या है,
आचार संहिता का मतलब आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब क्या है? आचार संहिता मतलब आचार संहिता। ये आचार संहिता आज से 17 लाख साल पहले महर्षि वाल्मीकि जिनका आज अवतरण है उन्होंने लिखा। 500 वर्ष पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसी ने लिखा कि आचार संहिता क्या होती है। सृष्टि के पहले बना साहब कौन हुए? भगवान श्री राम जो हमारे बड़े ठाकुर जी थे, उन बड़े ठाकुर जी के छोटे भाई लखनलाल धरणीधर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने अपने तरकस में से एक तीर निकाला और उस तीर को निकाल करके उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींचते हुए कहा कि हे माते जगदम्बे भाभी, आप इस लक्ष्मण की रेखा से बाहर मत होना, दुनिया में किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपको छू ले मेरे भाई। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ पापा की परियों से कि आप तो रेखा के अंदर रहो भाई, आप रेखा के अंदर हो, दुनिया में फिर आपको कोई नहीं छू सकता। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, राम रहीम को सजा हो या ना हो। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं अनाज के अंदर थोड़े से कंकर गिर गए इसका मतलब यह नहीं है कि सारा अनाज खराब हो गया। कभी इकबाल साहब ने लिखा कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान साधु संतों से पहचान है मेरे भाई। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते। मेरा आपसे यह कहने का मतलब है कि आसाराम बापू को सजा हुई या न हुई, मेरा सवाल यह है आपसे कि आप उनके डेरे में अकेली गई क्यों? आप क्यों गई अकेली? माइक ऊपर भूल कर, माइक ऊपर हो जाएगा, ये हो गया। ऊपर नीचे करना ये अपने हाथ में, ये तो अपने हाथ में, सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो सुदीप भाई यार, आप दिल्ली से आए, आपको पता नहीं है ये जो मालवा की मिट्टी है वो मिट्टी है कि आपके दिल्ली का जो पूरा एम्स हॉस्पिटल ने जहाँ पे हथियार फेंक दिए, टाटा मेमोरियल बम्बई में जहाँ हथियारों ने फेंक दिए, दुनिया के सारे हॉस्पिटलों ने हथियार फेंक दिए, हमारे मालवा के अंदर ये वो तपस्थली है माता भादवा रानी का, यहाँ का पानी पी पी के लखने वाले लोग चलते हुए चले गए यार। हम तो उस जगह रहते हैं यार, ये वो पानी है मेरे भाई। दोनों हाथ खड़े करके माँ के दरबार में ये बताया, ये वो मालवा की धरती है, ये वो पवित्र मालवा भूमि है जिस मालवा की इस कल कल करती क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके जल्दी करिए आप माला इधर लाइए, जल्दी दूसरे को भेजो, आप जल्दी करो, एक तो माला नहीं लाया आप, ये बहुत देर में है, बहुत देर में क्या ये माला लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भैया आप कवियों का स्वागत अगले साल जब आप कवि सम्मेलन करवाए, ताकि बड़ी बड़ी मालाओं की व्यवस्था हो, एक एक मोमेंटो की व्यवस्था हो, सारे कवियों को दे ना दे, उसमें जो प्रमुख कवि जैसे जानी बैरागी टाइप के उन्हें एक एक मोमेंटो की व्यवस्था की जाए।